भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर की क्षेत्र में लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। 18 अप्रैल को मतदान होने के बाद से ही भाजपा प्रत्याशी राजकुमार के घर क्षेत्र की जनता का आवागमन अपने चहेते राजकुमार को पहले से ही जीत के लिए अग्रिम बधाइयां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता से घिरे चाहर भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना के साथ उनकी कही हुई बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं। राजकुमार चाहर गठबंधन को बेमेल रिश्ता मान रहे हैं, जो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, मैं पहले दिन जो बोल रहा था आज भी बोल रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर थी, संकल्पित थी। 18 अप्रैल को आम जनमानस ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जबरदस्त मतदान किया है, और राजकुमार को जो उनका अपना है, अपने राजकुमार को अपनाने के लिए, उसको अपना आगे बढ़ाने के लिए, उसको अपने बीच में काम करने के लिए, अपना सेवक बनाने के लिए आम जनता ने जबरदस्त मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। देखिए, माननीय मोदी जी के कहे हुए सारे शब्द अक्षर से सही साबित होते हैं। स्वार्थ की राजनीति, अपने आप को बचाने की राजनीति, समाज सेवा की बजाय खुद के भ्रष्टाचारों में लिप्त होने वाले ये गठबंधन के लोग, ये अपने आप 23 तारीख के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पर हार का मत्था मढ़ेंगे और एक दूसरों को गालियां दे दे के अपने घर बैठ जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जो गाँव घर घर से निकल कर, और पार्टी के नेतृत्व का, पार्टी के जनप्रतिनिधियों का, पार्टी के पदाधिकारियों का, विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का, और मुझ जैसे जो सभी सामान्य कार्यकर्ता हैं उनका, और ऐसे हजारों की संख्या में अनगिनत चेहरे, अनगिनत लोग जिनसे मेरा परिचय नहीं, जिनसे मेरी मुलाकात नहीं, जिनसे मेरा संबंध नहीं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, ऐसे हजारों लोगों ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो मतदान किया है, कार्यकर्ता के नाते दिनों रात मेहनत की है, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनसे ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि मैं उनके बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम हम सब मिलकर करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे गोपाल सिंह कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्र हित में फैसले लेने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित को संजो कर रख सकती है। गठबंधन की नीतियों से देश बर्बादी की ओर जाएगा, इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कर नरेंद्र मोदी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 2019 में लाया जाए। उन्होंने बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए भगवान सिंह कुशवाहा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी के कुशवाहा समाज ने भगवान सिंह कुशवाहा को सिरे से नकार दिया है और कुशवाहा समाज के लोगों ने भाजपा को वोट किया है। मेरा नाम गोपाल सिंह कुशवाहा, पूर्व में हम लोग राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और आज परिस्थितियाँ देश हित में हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि आज की तारीख में देश में जो लड़ाई हो रही है वो एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, एक तरफ राष्ट्रवादी लोग हैं, तो निश्चित तौर पर देश के ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, क्यों भाई राजकुमार जी हमारे पुराने मित्र साथी रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके भाई राजकुमार जी के समर्थन में घर घर जा करके वोट मांग करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, और आने वाले समय में हमारी सभी टीम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, हम लोग मिलकर के काम करेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। ये तो पूरा क्षेत्र खैरागढ़ जानता है, खैरागढ़ विधानसभा में हमारा एक ऐसा नाम है जिसने जमीन से जोड़कर हम लोगों ने एक संगठन वहाँ समानतल खड़ा किया था, उसी की देन है कि 2007 में भगवान सिंह विधायक रहे, 2012 में रहे, लेकिन इस बार उन्होंने जो निर्णय लिया है इसको कुशवाहा समाज सब जानता है कि राजबब्बर ने निर्णय जो लिया है, राजबब्बर के साथ में जो लोग गए हैं वो क्या परिस्थितियाँ रह गई ये तो विधायक जी जानते हैं, हम लोग अपने मुँह से नहीं कहना चाहते, लेकिन जनता के विपरीत उन्होंने निर्णय लिया है, इसलिए टोटल कुशवाहा समाज के लोगों ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है और भगवान सिंह कुशवाहा को नकारने का काम किया है। इस मौके पर चाहर को बधाइयां देने वालों में सीकरी से आए लोगों ने कहा कि राजकुमार जनता के नेता हैं और सीकरी की जनता के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे राजकुमार को जनता लोकसभा भेजने के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व उन्हें मंत्री भी बनाने का काम करेगा। बच्चू सिंह चाहर, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, जहाँ तक
राजकुमार चार जी के बारे में मैं कहूँ, मैं इनसे लगभग 25 साल से परिचित हूँ। इन्होंने हर समय जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, चाहे रात हो या दिन हो, ये कभी भी जनता की सेवा करने से पीछे नहीं रहे हैं। और अब इस समय बीजेपी के प्रत्याशी होकर इन्होंने देश हित में जो चुनाव प्रचार किया है, और ये जो है विजय श्री के बिल्कुल बहुत लंबे वोटों से जीतेंगे, ये आशा करते हैं कि ये जो है जीत के साथ मंत्री भी बना। अब देखने वाली बात यह होगी कि फतेहपुर सीकरी की जनता के दिलों पर राज करने वाले राजकुमार को जनता ने 18 अप्रैल को मतदान कर आखिर कितना बड़ा सम्मान देने का कार्य किया है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पराम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा, प्रवेश प्रारंभ। आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।